अपने घर के लोगों को और दोस्तों को सेम टाइप से पाव भाजी बना के खिला के बोर मत कीजिए। अब पाव भाजी को एक नया ट्विस्ट दीजिए अनिका किचन के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिका किचन में। मैं श्वेता आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ वाला पाव भाजी। इसमें हम एक स्पेशल ट्विस्ट देंगे जिससे इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा आपको पिज्ज़ा वाला आएगा। तो आप इसे पिज्ज़ा भाजी भी बोल सकते हैं, पिज्ज़ा पाव भाजी भी बोल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। एक स्पेशल रेसिपी है जो आप अपने किड्स के लिए या अपने घर पे जब पार्टी हो तो उसके लिए आप बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करूँ। इस पाव भाजी में आपको पाव भाजी का फ्लेवर तो मिलेगा ही, साथ में आपको बड़ा पाव का एक चटपटा सा टेस्ट मिलेगा और साथ में एक पिज्ज़ा वाला भी आपको फ्लेवर मिलेगा। आप सोच रहे हैं एक पाव में इतना सारा फ्लेवर कैसे मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ब्रेड को इस तरह से पहले हम काट लेंगे, इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे गार्लिक बटर। इसमें मैंने पिज्ज़ा स्लिंग और चिली फ्लेक्स डाला है, इससे इसमें आपको पिज्ज़ा वाला फ्लेवर देगा। इसके बाद इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे। ग्रीन चटनी आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, पुदीना, धनिया, हरा मिर्च और सॉल्ट डाल के आप उसे ग्राइंडर में पीस लें और इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ग्रीन चटनी अप्लाई करने के बाद इस पर हम एक टैंगी सा फ्लेवर लाने के लिए टोमेटो केचप डालेंगे। एक चम्मच टोमेटो केचप डाल के इसे भी अच्छी तरह से आप फैला देंगे। इस तरह से आप इसे फैला दें। इसके बाद एक और सॉस हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, ये है तंदूरी सॉस। ये सबके पास नहीं होता, जो यूज करते हैं उन्हीं के पास होता है। अगर आपके पास है तो अप्लाई करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद इसके ऊपर स्पेशल जो हमारा पाव भाजी का भाजी है वो भाजी आएगा। ये भाजी आप गर्म ही अप्लाई करिएगा और ज़्यादा मोटा लेयर आप इसके ऊपर अप्लाई मत करिएगा, पतला सा लेयर अप्लाई करना है। और भाजी का वीडियो ऑलरेडी पाव भाजी का मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भाजी का रेसिपी दे दूंगी। चलिए अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं चीज़। चीज़ की हमें बारिश करनी है जिससे ये बच्चों का भी फेवरेट हो जाएगा, बच्चों को भी पसंद आएगा। अगर घर में पार्टी हो या आपके फ्रेंड्स आए हों तो आप इसे ज़रूर बना के खिलाइए, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे इस रेसिपी से। चलिए चीज़ तो हमने डाल दिया, अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं जीरो साइज़ का जो सेव होता है वो। आपको ये बेकरी में मिल जाएगा या फिर जो स्नैक्स वगैरह बेचते हैं उनके पास ये मिल जाएगा या ऑनलाइन आप इसे ले सकते हैं। चलिए इसके बाद इसे हम करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पिज्ज़ा सिजलिंग जो होता है वो डाल देते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स मत डालिए, अगर उन्हें तीखा पसंद है तो आप ये डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। चलिए अब इसे हम कवर करके इसके ऊपर फिर से लगाएंगे गार्लिक बटर। ये गार्लिक बटर बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, इसे भी मैं बनाना आपको बता दूंगी। चारों साइड से आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अब इसके ऊपर फिर से वही सेव डाल देंगे जो बारीक वाला है। गार्लिक बटर बनाने के लिए बटर को हल्का सा गर्म करके उसमें गार्लिक बारीक चॉप करके डाल दीजिए या फिर आप उसे मैश करके डाल सकते हैं, और साथ में उसमें पिज्ज़ा सिजलिंग और चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। चलिए इसके ऊपर फिर से मैंने चीज़ डाल दिया है और इसे मैं 5 मिनट के लिए डालूँगी माइक्रोवेव में। ये देखिए 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कढ़ाई में इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख दीजिए और नीचे आप कढ़ाई में बटर या घी ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि ये जले नहीं। चलिए बहुत अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। मेरे घर में जब मैंने इसे बनाया सबको बहुत पसंद आया था। मैं इसे खोल के आपको दिखा रही हूँ कितना चीजी है, ये काफ़ी गर्म है पर फिर भी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना चीजी है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल था, बहुत ही टेस्टी था ये। चलिए इसे मैं फिर से अप्लाई, फिर से दूसरे साइड से इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। तो आप भी अपने घर में या अपने बच्चों के लिए या घर में जब पार्टी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, बाय बाय।